हो गया, निट गया क्या? सर आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उनमें डाउट था मैंने कौन सा क्वेश्चन भेजा था? सर, वो 1 से 20 तक जो मिसेलेनियस क्वेश्चंस भेजे थे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, स्क्रीन की डलनेस कुछ अंतर पड़ रही है कि सेम आपको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है कोई चीज से? जैसा पहले दिख रहा सेम था 2 मिनट पहले वैसे ही दिख रहा है कि डल हो गया स्क्रीन? क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, है सर। सेम है ना? बढ़िया है, ठीक। चलो बोलो, डाउट क्या है? अच्छा, होमवर्क में डाउट है? होमवर्क डाउट डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा जो होमवर्क का डाउट रहते हैं वो तो अपन ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं ना कई बार, तो ठीक है? पर उसके आंसर्स आप पोस्ट कर दो ना। हाँ, मैं पोस्ट कर देता हूँ उसमें, ठीक है? मैं अभी ही पोस्ट, पर उसके पहले जो जो पढ़ाया उसको एक बार अपन बोलो, डाउट्स बोलो, डिस्कस कर लेते हैं। जो जो पढ़ाया उसको बोलो डाउट्स, पहले बोलो। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक बार हार्मोनिक प्रोग्रेशन फिर से बताएंगे। अरे पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे भाई, तुम चिल मारो। अभी जो अप्रैल में शुरू किया है ना, तुम्हारी कितनी क्लास हुई है, 4 या 5? 4 क्लास हुई है। उस 4 क्लास में जो भी डाउट है पूछो पहले, फाइनल। उस 4 क्लास में हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसमें जिसको जो भी डाउट है पूछो। चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, लॉन्ग डिवीजन करना नहीं आता सर, या कोई भी चीज डाउट बोलो। सर आपने जो कंपैरिजंस एक बार सिखाए थे कंपैरिजन में क्या? उसमें आपने 11/2, 12/3, उसमें आपने ग्रेटर, और हाँ, आपने एक बार एक रूट वाला क्वेश्चन दिया था, वो आपने पूरा नहीं किया था। आपने बोला था कि ऐसे मतलब वो इजी है और 2-3 करवाएंगे, तो वो करवा देना। ठीक है, कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और बताओ, तो ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ ना, बाकी बताओ, डाउट्स है किसी को? डाउट, मैं डाउट्स सर पूछ एक रहा हूँ। और छोटा सा डाउट है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के पावर से करेंगे तो क्या आता है आंसर? सर एक और छोटा सा डाउट है, हाँ इरेशनल नंबर को टू द पावर इरेशनल नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा? एक मिनट रुक जाओ, 2 माइनस 1 है तो क्या बोलो, वापस बोलना। ये रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक, उस पे आने दो मुझे पहले। आप लोग भी, मैंने वो पढ़ा, आपका वीक का 2रा क्लास है, पहला क्लास है? सेकेंड दूसरा क्लास। सर आप लोग क्या लास्ट टाइम वो पढ़ाया था मैंने, पार्टीशन ऑफ नंबर सेट वगैरह पढ़ाया था क्या? 2n+1, 3n+1, ये सब आपके बैच में पढ़ाया था? नहीं, आपके बैच में पढ़ाया डिटरमिनेंट्स था। पढ़ाया था पिछली। हाँ, तो डिटरमिनेंट के पहले आपको वो पढ़ा होगा ना मैंने, प्रूव करो कि n-1, n-2 इससे डिविजिबल है। हाँ 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 ठीक सर। है, हाँ रैशनल नंबर पे आता हूँ मैं। और बताओ, किसे कोई डाउट नहीं है और जो पढ़ाया है उसमें? सर हाँ सर आपने एक बार बताया था ना कि √x² का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x रहता है, हाँ हाँ तो सर आपने एक एग्जांपल दिया था कि √25 5 होगा, -5 नहीं, और अगर हाँ 25 raised to power ½ है तो वो हाँ प्लस तो माइनस उसका, फाइव हो, तो सर उसमें हाँ, डिफरेंस क्या है? डिफरेंट सिंबल का है ये। सिंबल का डेफिनेशन प्लस के साथ किया गया है, और जब हम ये लिखते हैं a की पावर 1, आपको शायद मैंने रूट का भी डेफिनेशन लिखवाया था कि x^(1/n)=a का मतलब क्या होता है, लिखवाया था ना, a की पावर n = x। रूट का डेफिनेशन ये होता है, x^(1/n)=a का डेफिनेशन ये होता है, और इसका डेफिनेशन प्लस के साथ होता है। डेफिनेशन है, रूट का डेफिनेशन लिखा था, नहीं लिखा था हमने ये वाला? नहीं सर, नहीं सर। बाकी जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट नहीं है ना? और फिर √16 जब उसका आंसर लिखेंगे तभी +4 लिखेंगे या फिर -4 या फिर दोनों? √16 प्लस 4 लिखोगे,
अरे तुम खुद सोचो ना, तुम बचपन में जब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाते थे तो तुम माइनस बी प्लस माइनस क्यों लिखते थे? तुम माइनस बी प्लस लिख दो ना बस। तुम माइनस प्लस माइनस यहाँ पर क्यों लिखते थे? कभी पूछे नहीं तुम सर से यहाँ प्लस माइनस क्यों लिख रहे हो? सर हमको लगता था कि रूट का प्लस और माइनस दोनों होगा। तो सही बात है, प्लस माइनस दोनों होगा, तब दोनों सिंबल यूज किया है। लेकिन इस ये सिंबल आपको ऑटोमेटिकली दोनों नहीं दे देगा, ये बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस फोर इंटू माइनस फोर भी 16 हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। तो अगर मैंने आपको ऐसा लिखा तो डेफिनेशन होती है, अगर ये लिखा मैंने 16 की पावर 1 बाई 2 तो इसका आंसर प्लस 4 भी है, इसका आंसर माइनस 4 भी है। अगर ये सिंबल यूज किया है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, बस ये बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, क्लियर हो गया। हाँ बोलो सर, ये डेफिनेशन होती है। हाँ बोलो सर, किसी नंबर के रूट को हम लोग अगर ऐसे एक्सप्रेस करना है तो उसका ए रूट ए फॉर एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो उसको ए रेस टू पावर हाफ पे तो लिखते ही है ना? वही तो बता रहा हूँ, गलत लिखते हो ना, ये सिंबल और ये सिंबल अलग है। अरे मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का रूट क्या लिखते हो? प्लस माइनस भी ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो? इतना बताओ क्यों लिखते हो यहाँ प्लस माइनस दोनों क्यों लिखते हो? तो तुम्हारे हिसाब से ये सिंबल दोनों वैल्यू दे देता है, तुम फिर प्लस माइनस क्यों लिखते हो बचपन से? ठीक है, डेफिनेशन देखो मैथ्स में क्या होता है, डेफिनेशंस होती है, वी डोंट फाइट विद डेफिनेशंस, इसको कॉपी कर लो। और कोई डाउट? जितना पढ़ाया है उस पे कोई वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या बताया आपने प्लस माइनस? अरे इक्वेशन का रूट क्या होता है? प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होता है ना। तो अगर आप लोग के हिसाब से ये स्क्वायर रूट जो है दोनों वैल्यू दे सकता है प्लस और माइनस, तो फिर यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिख रहे हो? ठीक है। हाँ सर, क्यों लिख रहे? क्योंकि नहीं देता है वो बस प्लस वैल्यू देता है। Okay. जब सिंबल यूज करते हो तो बस प्लस फोर देता है, बाकी आप प्लस माइनस खुद से लगाते हैं, यही बता रहे हैं आपको। ओके ओके हाँ। अरे सिंपल सी बात। हाँ बोलो सर, आपने वो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम करवाया था, हाँ। उसमें अगर हमने ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर बी एक्स और सी का ही किया था, अगर उससे ज्यादा डिग्री का रहेगा 3 या 4 के डिग्री का, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे रिमाइंडर में? ठीक है। अच्छा एक और चीज डाउट आई मुझे याद नहीं आ रहा आपके, शायद तुम्हारे बैच में नहीं कराया था मैंने। यार ये ना मिक्स हो जा रही है चीजें, लिखना पड़ेगा। ये ए एन और बी एन वाला सिस्टम तुम्हारे बैच में कराया था क्या मैंने? तुम्हारे में नहीं कराया था, तुम्हारी में कराया था नहीं सर। कि ए एन माइनस बी एन का एक्सपेंशन क्या होगा? नहीं सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, देखो कैसा होता है ना कि 7, 8, 9, 10 में बहुत सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए नहीं बताया गया स्कूल में। ठीक है, तो मुझे जो जो ध्यान आता है वो मैं करते जाता हूँ। ऐसा कुछ ऐसा अगर मैं पूरा पढ़ाया जाऊंगा तो 2 साल तो उसी में बीत जाएगा। ठीक है, तो जैसे ठीक है ये आपके आपके एक्सपेंशन नहीं कराया ये है ना? अरे हेलो, ए की पावर बोलोगे? हेलो यस सर। हाँ वही पूछ रहा हूँ, बोलो सब लोग। पहले जिनका नेट सही है ना वो लोग अपने को अनम्यूट रखा करो। ये सब कराया है क्या इसके एक्सपेंशन? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। सर इसके क्वेश्चंस आपने दिए थे सर, वो कैसे करते? किसके क्वेश्चन दिए थे मैंने सर? ऐसे टाइप के सर, वो एक्सपोनेंट्स का दिया था आपने। कौन सा बताओ सर? होमवर्क में। होमवर्क में सारा क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। होमवर्क में इसके नहीं थे क्वेश्चंस, वो क्वाड्रेटिक के थे सारे। क्या बोल रहे हो? ये a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इसके क्वेश्चंस नहीं दिए, बस क्वाड्रेटिक के थे वो सारे। हाँ वही कह रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले होमवर्क डिस्कस कर दें, आप लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो लॉक दो तो, है ना? पहले उसमें सारे क्वेश्चन आपको हम हिंट देते हैं कि आपको हम क्वाड्रेटिक में चेंज करके छोड़ देंगे। ठीक है, यस सर। सर उन क्वेश्चंस में x का वैल्यू मिल गया, उसके बाद आगे सॉल्व नहीं करना है ना उसको सब्स्टिट्यूट करके? उसके सब्स्टिट्यूट करके क्या करोगे?
सर वो ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के क्या हो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वापस क्यों डालेंगे? ठीक है सर, मैंने चेक किया था तो कुछ कुछ में एक वैल्यू का आंसर नहीं आ रहा है। आपने डोमेन गलत लिखा होगा। ठीक है मैं आपका क्या, आपके ग्रुप का नाम क्या रखा है? मैंने 23 रखा है ना। हाँ इसी में आपका होमवर्क डाला था। मैंने होमवर्क कहाँ डाला था सर? हमारे बैच में, एपी वन बैच वाले ग्रुप में। अच्छा एपी वन वाले में, ठीक है। चलो ठीक है मैं पहले आंसर डाल दूंगा इसका आज। ठीक है अपनी वीक की लास्ट क्लास है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है मैं आंसर डाल दूंगा, मैं आपको आंसर डाल दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद अपन ग्रुप पे ही डिस्कस कर लेंगे रात में। ठीक है ओके सर। सर अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया तो अब हम क्या चैप्टर्स शुरू करेंगे? अभी चलते रहेगा, बहुत है, अभी कहाँ खत्म हुआ, बहुत सारी चीज होती है, क्या क्या बताना है मुझे। ठीक है चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो कभी तो फिजिक्स का भी मैथ्स पढ़ाना है ना मुझे। ठीक है तो एनीवेज अभी डिटरमिनेंट का ओपनिंग आप लोग, आप लोग को बैच में पढ़ाया था लास्ट क्लास में है ना, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया है दो तीन क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते ताकि चलते तो क्या पढ़ के आए हो भाई, कराया था लास्ट क्लास में। सर फर्स्ट क्वेश्चन में केवल फर्स्ट रो करना है ना? हाँ 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 बस। सॉल्व करना स्टार्ट करो भाई। सर क्वेश्चन नंबर टू में थर्ड वाला टर्म कौन सा है? एन प्लस एट। एट ओके सर।
सर लास्ट क्वेश्चन में लास्ट ब्रैकेट में क्या है? सर आपका माइक म्यूट है। लास्ट ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है। सर आप थोड़ा सा पीछे हो सकते हो। यस सर हो गया। यस सर डन।
हाँ कितना है पहले का आंसर? जीरो 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 अरे मैं कुछ भी देता हूँ जीरो ही आता है क्या आंसर? क्या लिख देता हूँ मैं जो बार बार जीरो आता है ऐसा? अच्छा हाँ जीरो आएगा ठीक है। पहला सबका हो गया किसी का नहीं हुआ बताओ मुझे? सब सब लोग का पहला हो जा रहा है? यस सर। देखो ऐसा है चार लोग यस बोलते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं बोलते हैं, तो बाकी लोग को भी पूछना पड़ेगा बेटा बन गया है तो बोला करो, बन गया है? यस सर। यस सर। दूसरा वाला? यस सर। यस सर। यस सर। थ्री से ले सकते हैं ना? थ्री में क्या लेंगे बताओ? थ्री पी प्लस वन, थ्री पी प्लस वन और थ्री पी प्लस टू हो रहा है उससे? यस सर। यस सर। थ्री पी से एन हो गया? हाँ सर। थ्री पी प्लस वन से ये हो गया? यस सर। प्लस टू से ये हो गया, क्लियर है? यस सर। कितना आंसर है बताओ? बाकी लोग देखो पांच लोग यस बोल रहे हैं बाकी बीस लोग चुप बैठे हुए हो, तुमको बोलना पड़ेगा समझ में नहीं आया तो। सर माइनस 16 है। सर बोलो कोई सर बोला तो सेकंड वाले का ब्रैकेट्स रिपीट कर सकते हो एक बार? थ्री पी लिया तो कौन सा डिविजिबल हो जाएगा? एन वाला? अगर थ्री पी प्लस वन लिया तो कौन सा हो जाएगा बोलो? थ्री पी प्लस एट वाला, सॉरी यस सर, एन प्लस एट वाला। और थ्री पी प्लस टू लिया तो कौन हो जाएगा? एन प्लस वन, एन प्लस वन वाला। ये क्लियर है? ओके सर। माइनस 16 ए प्लस 11 बी माइनस 2 सी। यस यस सर। यस सर। सेम सर। लास्ट में डाउट है। यस सर लास्ट में डाउट। क्या होगा बताओ यहाँ पे? माइनस 16 ए माइनस 16 ए प्लस 11 बी माइनस माइनस 2 सी। कितना आया माइनस बी के साथ? माइनस 11 है ना, और प्लस सी के साथ? माइनस 2 माइनस 2। ये चमकता है? यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट लास्ट वाले में क्या दिक्कत आ गई बताओ भाई? शशांक बताओ तो लास्ट वाला। यस सर। लास्ट वाला बताओ नहीं हुआ? नहीं सर। क्यों? सेम वही क्वेश्चन है, क्या दिक्कत आ गई? आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो है ना? हाँ सर। करो डिवाइड, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हेलो। यस सर। डिवाइड करेंगे फोर वाला नहीं आ रहा। आएगा ना, डिवाइड करो ना, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? बताया था ना कोशेंट आएगा, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, और रिमाइंडर क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बस हो तो गया। अभी तुम लोग को मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया था कि नहीं सिखाया था? हाँ सर। यस सर। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? हाँ सर। इस पे x प्लस वन x माइनस वन और x माइनस टू। यस सर। तो बस डाल दो इसको यहाँ पर, क्या आ जाएगा बोलो? क्यूब एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना? अभी सर x इज इक्वल टू वन और वैसे लेकर डालो, हाँ डालो 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 सर, तीनों की वैल्यू जीरो आएगी क्या? सॉल्व करो सर। एक डाउट।
हाँ सर, तीनों का जीरो ही आएगा भाई। सर मुझे जीरो आ रहा है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। हाँ बोलो सर, वो जो डिवाइजर है ना एक्स एक्स हाँ। क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सर उसको फैक्टराइज कैसे कर, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं सर? जीरो। अच्छा, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं? मैंने क्या बताया था आपके सिलेबस में, हमेशा आप पहले क्या चेक करो, एक्स इक्वल टू वन है ना, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस, तो हमने एक्स इक्वल टू वन डाल दिया, क्या है बताओ, वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू जीरो आ गया ना, इसका मतलब क्या है बोलो, x माइनस वन इज फैक्टर, फैक्टर। अब एक बार x माइनस वन आ गया, फिर तो आपको सिखाया था ना मैंने फैक्टराइजेशन, पता नहीं यार मैं कंफ्यूज आ रहा दो बैच में, आप क्या सिखाया है क्या? हाँ सर, लॉन्ग डिवीजन सर। नहीं नहीं लॉन्ग डिवीजन नहीं, शॉर्टकट सिखाया था ना मैंने अपना। हाँ सर, सर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर गया तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, और फिर यहाँ पे एक और x माइनस वन लिखेंगे और यहाँ माइनस टू लिखेंगे, ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था सर, है ना। अब ये वापस फैक्टराइज हो जाएगा, आपके पास तीन इक्वेशन बनी होंगी, क्या बनी है तीन इक्वेशन बताओ, ए प्लस, बोलो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू वन पुट किया, वन पे क्या हुआ, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, है ना, एक्स इक्वल टू माइनस वन डाल दिए तो क्या हो गया, ए माइनस बी प्लस सी प्लस सी जीरो, कैसे, माइनस वन पे ये जीरो हुआ और माइनस वन पे ये जीरो हुआ, चमक रहा है? Yes, sir. फिर 4a plus b plus c equal to 0, चमका, कैसे, क्या डाला मैंने बताओ, 2 x equal to 2 डाल दिया, ये बात क्लियर है सर? 2b ना, 2b, हाँ हाँ x equal to 2b, सर वो एबीसी का वो जीरो कैसे है, वो वापस रिपीट कीजिए ना। नहीं नहीं एबीसी का जीरो नहीं है, अभी तो सॉल्व करेंगे ना ये। अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो कैसे आया? यस सर, आप क्या पूछ रहे हो बोलो। हाँ सर, ए प्लस बी प्लस सी जीरो कैसे, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो कैसे आया, इस वाले इक्वेशन में एक्स इक्वल टू वन डाल दो तो ये जीरो होगा। यस सर, यस सर, और वन डालने पे ये भी जीरो होगा। हाँ। तो ये और ये कट गया ना, जीरो जीरो, समझा, तो इधर भी जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ गया, तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, चमका क्या सर? पर हमने जब टू डाला तो सर हमारे पास एलएचएस में जीरो कैसे आ गया दूसरे साइड में? टू की पावर टेन कितना होता है? हाँ सर ठीक है, देखो कैसे पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ना सीखो पहले, आप लोग चार क्लास पढ़ाए ना, पांच क्लास, आप लोग एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, वीडियो सुन लो, जो जो डाउट्स है उसको अलग से नोट कर लो, ठीक है, और एक बार संडे को वापस से अपन एक घंटे बैठ जाएंगे डाउट्स के लिए, ठीक है, ये क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। सर एक डाउट करें, हाँ बोल। सर एक्स का वैल्यू जीरो डाल के भी मिल सकता है ना? एक्स का वैल्यू डाल लेंगे जीरो तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो एक्स इक्वल टू जीरो डालने पर दिक्कत क्या है, ये चीज नॉन जीरो हुई और क्यू ऑफ जीरो, कुछ बोल नहीं पा रहे ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे क्या आया, माइनस वन आ गया, यहाँ पर क्या आया बताओ, जीरो इंटू टू, क्यू ऑफ जीरो इंटू टू, तो क्यू ऑफ जीरो तुमको मालूम नहीं है ना? ओके सर, नहीं समझा सर, पर क्यू ऑफ जीरो, क्यू ऑफ जीरो तो जीरो ही रहेगा, क्यों, कोशेंट है, कोशेंट एक पॉलिनोमियल होगा, तुमको क्या मालूम कि उसमें जीरो डालोगे तो जीरो आएगा? यस सर, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। चल रहा है क्या ये? काम कर रहा है ये, हवा आ रही है, यहाँ तो गर्मी आ रही है, कौन सा नहीं हो पाएगा ना, कर दो।
सर ऐसे क्वेश्चन में कौन से वैल्यूज डालने हैं वो यूजुअली उसके फैक्टर से ही देख के पता। हाँ हाँ उसके फैक्टर से। ओके सर। इफ अ पॉलीनोमियल लीव्स 1, 2, 3 एज रिमाइंडर when divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 respectively, find the remainder when px is divided by x square minus 6x plus 11x minus 6. ठीक है, सॉल्व करो 10 minutes, जस्ट थिंक, जितना पढ़ाया है ना सोच के करो। सर वो x cube होगा क्या? हाँ थोड़ा पीछे हो सकते हो। जिनका हो जाए शांत रहो, सबको करने दो।
क्या हुआ, किसी का आया क्या? यस सर आ गया। बाकी लोग, चलो मैं जिनका नहीं आया मैं उनको एक हिंट दे रहा हूँ, ये पी ऑफ एक्स है और ये आपने क्या किया है, ये फैक्टराइज हो रहा होगा है ना, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, ये डिवाइड करने पे क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। कैसा रिमाइंडर आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्या आएगा कोशेंट। अभी यूक्लिड थ्योरम क्या कहेगी बोलो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोलो गाइज क्यू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना क्लियर है क्या? Now, ये जो चीज है ये फैक्टराइजेबल है, दिखता है कैसे फैक्टराइजेबल, फिर से दिखाएं, देखो वन डाल के जीरो हो रहा है ना, वन पे वन टू और थ्री, तो अब ये बन गया, ये बाकी इनका नहीं बना था, वो लोग यहां तक एनालाइज करो और अब ट्राई करो, इनका नहीं बना था अब वो लोग ट्राई करें। अच्छा इस इंफॉर्मेशन का यूज बाकी लोग सोचो क्या होगा, अगर x माइनस वन से पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हो और रिमाइंडर वन है, इसका क्या मतलब हुआ, p ऑफ वन इज इक्वल टू वन, हाँ इसका मतलब हुआ p ऑफ वन इज इक्वल टू वन, इसका क्या मतलब हुआ p ऑफ टू इज इक्वल टू टू, इसका क्या मतलब हुआ p ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री, है ना। अभी बाकी लोग सॉल्व करिए, अब सॉल्व करो, बाकी लोगों का आ गया कैसे आएगा बताओ, अभी इसमें क्या डाल देंगे, पुट वन एक्स इज इक्वल टू वन, तो क्या आएगा पी ऑफ वन इज इक्वल टू, यहाँ तो जीरो बन जाएगा, चमक रहा है ना, बी प्लस सी ए प्लस, ध्यान देना यहाँ पर जीरो क्यू ऑफ जीरो की वजह से नहीं बना है, वन डाले हो तो एक्स माइनस वन जीरो हुआ है, ये बात चमकती है क्या, हाँ तो क्या आएगा बताओ, वन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 2 is equals to बोलिए 4a plus 2b plus c, 4a plus 2b 3 is equals to 9a plus 3b plus c, ये क्लियर है क्या? Yes. तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आया 3a plus b, इसको इसमें से माइनस कर दो, 1 is equals to 5a plus b, फिर माइनस कर दो, a is equals to 0 आ गया, a is equals to 0 आ गया, इतना क्लियर है क्या, तो b कितना आ गया 1 और c कितना आ गया 0, तो आंसर क्या आया बताओ, रिमाइंडर x आया, आंसर इज x, इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। सर एक डाउट करी बोलो,
सर फाइनली तीन इक्वेशंस मिलेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना? जैसे मैंने किया मैन्युअली, मतलब वेरिएबल, हाँ पहले सी एलिमिनेट करेंगे सर, ए का वैल्यू जीरो आया तो उसके बाद उसको लाइक कैसे सब्स्टिट्यूट करना है? अच्छा ए का वैल्यू जीरो आया ना, तो यहाँ पर इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसी में डाल दिया ए को जीरो, तो बी कितना आ गया, वन आ गया, और जब बी वन आ गया पहले वाले में चले गए, ए और बी डाल दिए तो सी आ गया। ओके सर समझा सर। सब लोग आ गया क्या बेटा? यस सर। यस सर। हाँ खाना क्या है, रैप कर दे रही है, रैप कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रूव दैट ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन।
हेंस फैक्टराइज ए की पावर एन माइनस बी की पावर। बताओ कैसे करेंगे? बोलो 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 की वैल्यू बी पुट करेंगे। हाँ नेट देखो बोला करो, सुनो आपको ये लग रहा है दो वेरिएबल आ गया है ना, कोई बात नहीं ना, आप मन में सोच लो क्या सोच लोगे, ए को एक्स की तरह सोच लो और बी को क्या सोच लोगे, कांस्टेंट की तरह, ये बात चमकती है? हाँ हेलो, समझ में आया क्या क्या कह रहा हूं मैं, बताओ सब लोग बोलो यार। हेलो यस सर। मैं थोड़ी देर के लिए ए को एक्स नहीं सोच सकता हूं मन में, सोच सकते हैं ना। अच्छा हटाओ छोड़ो, तुम ऐसे सोच लो, अब बताओ तो अभी भी दिक्कत है, अब दिक्कत नहीं है? हेलो यस सर। यस सर। क्या नेट बीच बीच में नेट चला जा रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। फिर बोलने में कष्ट हो रहा है आप लोग को? नहीं ना, पी ऑफ ए कितना आएगा, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन क्या आ गया, जीरो आ गया ना, तो हो गया ना प्रूफ, इसका फैक्टर है। बोलो हाँ या ना यार। यस सर। यस सर। अब ठीक है, अब मुझे बताओ इसको फैक्टराइज कैसे करें। बोलो हाउ टू फैक्टराइज। कुछ वैल्यूज लेके मतलब कोई ऐसा पैटर्न देखते हैं ना। हाँ वो सही है, पैटर्न सही है, मैं बिना पैटर्न के नहीं कर सकते हैं। बिना पैटर्न के तो फिर आप वो n फिर उसके बाद में n माइनस वन रहेगा, वो n माइनस वन n माइनस टू पावर्स में तो डिवाइड करते रहेगा तो। तो वैसे ही करते हैं ना, वैसे ही करते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो मुझे डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। बोलो डिवाइड करके क्या आ रहा है बताओ। एक्स की पावर एन माइनस बी की पावर एन को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा बोलो। सर एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सही है। क्लियर है? यस सर। आगे फिर माइनस करो, कितना आया बताओ। एक्स एन माइनस वन माइनस ए की पावर, बहुत दिक्कत है क्या यहाँ पे? नो सर। फिर बताओ क्या आएगा सर। एक्स एन माइनस टू आएगा। हाँ सही है, क्या आएगा बताओ। अब बताओ क्या आएगा। सर ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू माइनस ए टू द पावर एन। समझ रहे हो? यस सर। तो ऐसे हो, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा सर। ए स्क्वायर एक्स एक्स टू पावर n माइनस थ्री स्क्वायर। हाँ x टू पावर n माइनस थ्री। सर ये तो चल दे जाएगा ना सर ये सीरीज। हाँ हाँ चलने दो ना, अपने को क्या बांधा है, चलने दो, अपन देखते हैं ना क्या हो रहा है। ठीक है बोलो क्या आएगा सर। a स्क्वायर n माइनस x टू n माइनस टू n माइनस टू। सॉरी
हाँ माइनस ये बात चमक रही है क्या? तो लास्ट में क्या आया यहां पे कितना आया बोलो? यहां तक चमक रहा है, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, बोलो क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है तो अब मुझे बताओ, तो एक्स की आप मुझे बताओ इसका एंडिंग कैसा होगा, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो एंडिंग क्या होगा? ये देखो पावर एन माइनस वन है ना, यहाँ पे पावर कितना है? वन है, और यहाँ कितना है? एन माइनस टू। एन माइनस टू प्लस वन कितना होता है? एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन, यहाँ बताओ कितना पावर है? जब तक ए की पावर एन माइनस वन नहीं आएगी तब तक चलेगा। ये बात चमक रही है, चमका क्या? तो क्या आ गया बताओ, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन क्या आया बोलो? एक्स माइनस ए इंटू, बोलिए। लास्ट वाला नहीं समझ में आया, एन माइनस वन तक। ठीक है तो आप ये देखो टर्म्स को ऑब्जर्व करो, एक्स का पावर स्टार्ट हुआ है किससे? एन माइनस वन, एन माइनस टू। ए का पावर कितना है? वन। वन प्लस एन माइनस टू, एन माइनस वन। टू प्लस एन माइनस थ्री, एन माइनस वन। तो इसकी अब बताओ बिना सॉल्व के बताओ अगला वाला क्या आएगा? ए क्यूब एक्स टू द पावर एन माइनस फोर। चलते 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 जब यहां पर कहीं पर पावर एक्स आ चुका होगा तो क्या आएगा यहां पर? है ना? हेलो, यस सर। हाँ यस सर। तो लास्ट में क्या आएगा? ए टू द पावर एन माइनस वन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन क्या आया बोलो? एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर एन बोलो प्लस ए एन माइनस टू, कब तक चलेगा बोलो? ए की पावर एन माइनस, अरे इतना चमकता है क्या? एक काम करें, ये देखो ना मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला याद कराता हूँ। देखो तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या आएगा बताओ? तो ए माइनस बी इंटू बताओ क्या आएगा? डिफिकल्ट हो गया, बोलो क्या आएगा? ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए बी की पावर एन माइनस टू, कब तक चलेगा? जब तक बी की पावर एन माइनस वन नहीं आएगी। अरे फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद है क्या लिखते थे? यस यस सर। क्या क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे समझो ना, ऐसे समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? yes. तो पास्कल में सीखा था हमने yes. कि पावर टू को ही वेरी करना है ना, तो अगर ए पावर फाइव माइनस बी की पावर फाइव है तो क्या लिख दोगे? ए माइनस बी इंटू ए टू द पावर फोर। हाँ ऐसे ए क्यूब बी, ए बी क्यूब, हाँ सॉरी क्या होगा? ए स्क्वायर, अरे ए क्यूब बी, यहाँ पर गलत लिखा है ना मैंने, यहाँ पर बी ए की पावर एन माइनस टू। हाँ बोलो क्या आएगा बोलो? बी ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बोलो भाई। बी क्यूब ए, बी क्यूब ए, बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी पावर फोर, बी टू द पावर। चमक रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर, यस सर। बेटा बोलोगे क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। सभी को क्लियर है क्या? जैसे मैंने किया है पैटर्न देख के, चमक रहा है? यस सर। दूसरा लिखो, कॉपी करो, प्रूव दैट। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन इफ एन इज ऑड।
हेंस फैक्टराइज की पावर ए की पावर एन. Yes, sir, done. अरे कर लो सब लोग कर लिए क्या? कॉपी कर लिए फर्स्ट वाला? थोड़ा डिफिकल्ट पड़ गया क्या फर्स्ट वाला? करें क्या? हो गया? नो सर, सर वेट. हाँ हाँ करो. मैं अभी जो किया इसको रब करूं मैं? यस सर. यस सर. जो दिया है मैंने क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट तो बताओ, फर्स्ट पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर वो हो गया. हाँ सर मैं बस फर्स्ट पार्ट पूछ रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट क्या था बोलो? प्रूव दैट एक्स प्लस ए is factor of क्या? x की पावर n पावर n प्लस a की पावर n इफ
n is odd. If n is odd, है ना? कैसे करेंगे? और p of minus a करेंगे तो वो factor proof हो जाएगा. p of minus a, minus a की power n plus a की power n, n odd है ना? तो क्या आएगा? माइनस ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन इक्वल टू जीरो. क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, अभी डिवाइड करना है ना इसको. हेलो. यस सर. चलो डिवाइड करो, फिर क्या आएगा बोलो. चलो चलो, मैं एक्स की पावर फाइव प्लस ए की पावर फाइव को डिवाइड कर देता हूँ. पिछली बार एन में किए थे ना, इस बार ऐसे करते आपको ज्यादा दिखेगा. बताओ क्या आएगा. अच्छा, आज लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, वैसे भी तो कर सकते हैं ना मेरे सिखाए हुए तरीके से. किस तरीके से बोल रहा हूं मैं? मैंने फैक्टराइज करने का तरीका सिखाया था ना आपको, एक नहीं सिखाया था? हाँ सर. हाँ सर. x प्लस ए डाल दिए सर. बोलो यहाँ पे क्या चाहिए? पावर फोर. x प्लस ए डाल दिए, बोलो क्या चाहिए? एक्स की पावर फोर आ गया ना एक्स्ट्रा. क्या चाहिए? काटना होगा ना उसको. आपको कैसे लिखोगे बताओ? माइनस माइनस ए माइनस ए एक्स क्यूब. क्लियर है? यस सर. अरे क्या हुआ? माइनस ए नहीं समझ में आ रहा क्या? ये प्लस बोलो. अभी क्या आएगा बोलो? यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बोलो? मैंने एक्स प्लस ए लिखा, कम ऑन टेल मी क्या आएगा. एक्स्ट्रा क्या बन गया है? माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब बना है ना. यस सर. तो कैंसिल होने के लिए क्या लगेगा बोलो? सर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हाँ अभी सर माइनस ए क्यूब एक्स आएगा. नहीं नहीं ए क्यूब थोड़ी ना आएगा. हाँ ए क्यूब ही आएगा सर. सही है ना? ए ए क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है तो. हाँ शुरू में मिस्टेक हुई है क्या? माइनस हम लोग हाईएस्ट पावर कैंसिल एडजस्ट करें ना, तो कितना आया है यहाँ पर? तो यहाँ तक आपका ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर एक्स क्यूब था ही ना आपका यहाँ पर? तो हाँ ए स्क्वायर एक्स क्यूब था ना, तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब जो एक्स्ट्रा बना है हाँ वो कट चुका है. तो कितना बना आपका ए स्क्वायर एक्स क्यूब? तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब कट गया, ए स्क्वायर ए क्यूब. हाँ सही है, सही. सॉरी सर. ठीक है, फिर क्या आएगा? प्लस एक्स प्लस ए के साथ क्या आएगा बोलो? ए पावर फोर आएगा. चमका क्या? यस सर. क्या बन गया बोलो? एक्स प्लस ए. तो समझो तो बोलो. ठीक है, ये ध्यान आ रहा है? हाँ सर समझ में आया. मैंने बताया था ना आपको तरीका है ना, ये हो गया ना फैक्टराइज. हाँ सर. तो मुझे बताओ आपको मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फैक्टराइजेशन? नहीं मालूम है? सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का. ए प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. समझे? तो बताओ मुझे ए पावर फाइव प्लस बी पावर फाइव का क्या होगा? ए प्लस बी ए टू द पावर फोर. अल्टरनेट अल्टरनेट प्लस माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस है, और एक एक पावर कम होती जाएगा. क्या होगा? ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर फोर. ये क्लियर है क्या? यस सर. अरे इतना क्लियर है क्या? सिमेट्रिकली लिख देंगे ना अपन तो. ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन क्या होगा बोलो? ए प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस माइनस B सर माइनस आएगा. सर माइनस आएगा. सर माइनस B इनटू A टू द पावर थ्री माइनस B A टू द पावर n माइनस टू प्लस. ऐसे चलते जाएगा और चलते जाएगा, है ना? लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ? प्लस B टू द पावर n माइनस वन. ये बात चमकती है क्या? यस सर. यस सर.
हेलो अरे हाँ कॉपी कर लिए क्या सब लोग एक सेकंड सर कर लो कॉपी साइड ऑन रखते थे उसको ओपन मत हो ना साइड ऑन में बढ़ाओ उसको कॉपी कर लिए यस सर यस सर यस सर साइड ऑन पैर नोट हरा मत चल तो ऐसे कह रहा कॉपी कर लिए क्या क्लियर है इतना Yes, sir.
सॉल्व करो ये वाला रहने दो, टाइम नहीं है, ये दोनों कर दो। आया क्या वैल्यू? फिफ्टीन मुझे नहीं मालूम। सर दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, आने दो। कितना आ रहा है वो तो? सर माइनस टेन, पहले आ कितना आया? वन से किया, नौ माइनस चौबीस, टेन टेन, नौ नौ माइनस चौबीस, नौ माइनस चौबीस माइनस पंद्रह, माइनस दो जीरो माइनस बीस, प्लस तीन जीरो माइनस पांच, कितना आ गया? माइनस पंद्रह प्लस चालीस माइनस पंद्रह, टेन आया पहले का। दूसरे का कितना आ रहा बोलो? वन से थ्री प्लस वन हो गया, तीन तिया नौ, प्लस दो तीन में से चार माइनस एक, तो कितना आ रहा है? बारह। दोनों का दस ही आ गया बाई चांस। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, चलो बाय सर। थैंक यू बाय सर।